सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसखान के सवैये। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रसखान जी मुस्लिम थे, लेकिन वे कृष्ण भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के मोहक रूप के प्रति उनका आकर्षण कितना प्रबल था, यह उनकी कविताओं से जाहिर हो जाता है। आपके लिए आज मैं उनके कुछ चुनिंदा सवैये लेकर आया हूँ। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अवश्य पसंद आएगा। मानस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। मानस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की रेणु मझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हु कल धौत के धाम, कोटिक हु कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर गावे। जाही अनादि अनंत अखंड, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तू पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तू पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरियाँ, ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पंजनी बाजती पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पंजनी बाजती पीरी कछोटी।
वा छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि वा छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि काग के भाग बड़े सजनी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी कानन दे अंगूरी रही हो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है कानन दे अंगूरी रही हो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है माहिनी तानन सौरस खान माहिनी तानन सौरस खान अटा चढ़ी गोधन गे है माहिनी तानन सौरस खान अटा चढ़ी गोधन गे है तेरी कहाँ सिगरे ब्रिज लोगनी काली कोई कितनो समझे है तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी काली कोई कितनो समझे है मायरी वामुख की मुस्कान मायरी वामुख की मुस्कान संभारी न जय है मायरी वामुख की मुस्कान संभारी न जय है मोर पखा मुरली बन माल लख्यो ही में ही राउ मयूरी मोर पखा मुरली बन माल लख्यो ही में ही राउ मयूरी ता दिन तेन बैरन को ता दिन तेन बैरन को कही कौन न बोल कु बोल सयोरी ता दिन तेन बैरन को कही कौन न बोल कु बोल सयोरी अब तो रस खान स्नेह लग्यो को एक कयो को लाख कयोरी अब तो रस खान स्नेह लग्यो को एक कयो को लाख कयोरी और सुरंग रयो न रयो और सुरंग रयो न रयो एक रंग रंगीले सो रंग रयोरी और सुरंग रयो न रयो एक रंग रंगीले सो रंग रयोरी मानुस हो तो ही रस खान बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन मानुस हो तो ही रस खान बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मधारन पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन मानुस हो तो वही रस खान मानुस हो तो वही रस खान साथियों मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सवैये अत्यंत पसंद आए होंगे। अब चलते चलते मैं आपको इनका अर्थ भी समझा देता हूँ। मानुष हो तो वही रस खान बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नितनंद की धेनु मंझारन पाहन हो तो वही गिरि को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसका भावार्थ यह है, रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं, यदि पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच में रहकर घास चरूं, और अगर पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ पर जिसे इंद्र के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र की तरह उठा लिया था, और यदि पक्षी बनूं तो कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर बसेरा करूं। या लकुटी और कामर या पर राज तिहुपुर को तजिडारों आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारों रसखान कबों इन आखिन सों ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारों
कोटिक हूँ कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इन पंक्तियों में रसखान जी कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियों एवं नौ निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तूपु निपार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रसखान जी कह रहे हैं कि जिनकी महिमा शेषनाग, गणेश, महेश, सूर्य और इंद्र लगातार गाते रहते हैं, वेदों ने जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद और अभेद बताया है, नारद, सुखदेव और व्यास ने जिन्हें पहचानकर संसार को पार कर लिया है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अहीर की छोकरियाँ यानी लड़कियाँ कटोरे भर छाछ के लिए नाच नचाती रहती हैं। धुरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजति पीरी कछोटी, वाछवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी बता रहे हैं कि सुंदर सलोने श्याम जी धूल से भरे हुए खेल रहे हैं और उनके सिर पर सुंदर चोटी बंधी हुई है। आंगन में इधर उधर खेलने पर उनके पैरों में बंधी हुई पायल बजने लगती है। कृष्ण ने पीले रंग की लंगोटी पहनी हुई है। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर करोड़ों कामदेव और करोड़ों चंद्रमा वारे जा सकते हैं। उन्होंने अपनी पंक्तियों में एक बड़ी सुंदर घटना का वर्णन भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण भगवान माखन रोटी खा रहे थे और उसे कौवा छीनकर भाग गया। उस कौवे का भाग्य कितना बड़ा है कि वह हरि के हाथ से माखन रोटी लेकर चला गया है। कानन दें अंगूरी रही हूँ, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, माहिनी तानन सो रसखान, अटाचड़ी गोधन गेह पे गेह है, टेरी कहाँ से गिरे ब्रज लोगनी, काली कोई कितनो समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है न जई है न जई है। रसखान जी बता रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मगन होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगें, परंतु हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे ताकि हमें मुरली की धुन ना सुनाई दे। लेकिन ब्रिजवासी कह रहे हैं कि मुरली की मधुर ध्वनि जब उनके कानों में पड़ गई तो फिर वे अपने आप को वश में नहीं रख पाएंगी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान इतनी प्यारी है कि उनकी मुस्कान देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। मोर पखा मुरली बनमाल लख्यो ही मैं हियरा उम्योरी, ता दिन ते इन बैरिन को कही कौन न बोल को बोल सहयोरी, अब तो रसखान स्नेह लग्यो को एक कहियो कोई लाख कहियोरी, और सो रंग रहियो न रहियो एक रंग रंगीले सो रंग रहियोरी। रसखान जी कहते हैं कि मोरपंख, मुरली और गले में बनमाला पहने कृष्ण को देख के मन डोलने लगता है। कोई बैरन कितना भी उल्टा सीधा बोले सब सहन हो जाता है। रसखान जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण से स्नेह हो ही गया है तो कोई एक कहे या लाख टूके, अब कोई रंग रहे या ना रहे, अब तो बस उसी रंगीले के रंग में रंग जाना है और उस रंगीले के रंग में रंग के ही रहना है। तो दोस्तों, मैंने सरल शब्दों में आपको रसखान जी के सवैये को समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इसी तरह से मेरा चैनल देखते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मुझे विश्वास है कि आगे भी आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार मेरा हक बने रहेंगे। जय श्री कृष्ण।